सो हेलो फैमिली, दिस इज प्राची एंड वेलकम बैक टू एनएमरस। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारी एक नई कहानी आने वाली है जिसका नाम है छोटी माँ। तो मैं इसके बारे में आप सभी के साथ कुछ खास इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो आप सभी उसके लिए कितना एक्साइटेड है हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बात करते हैं छोटी माँ की। ये जो कहानी है एक लड़की के ऊपर है जिसका नाम है कसक। कसक बखूबी अपना बेटी धर्म निभा रही है। वो एक बहुत गरीब फैमिली से है और उसके माँ बाप उसकी शादी ठाकुरों की फैमिली में कर रहे हैं। ठाकुर जिनका नाम है, समाज में ऊंची पहुंच है, पैसा है, सब कुछ है। उस घर में एक बूढ़े आदमी के साथ, यानी कि सबसे बड़े ठाकुर के साथ कसक की शादी हो रही है, जिसके बदले वो ठाकुर कसक के परिवार को पैसा देगा। कसक चुपचाप ही शादी कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि उसके पीछे उसके भाई बहन का अच्छा फ्यूचर बने, भविष्य अच्छा हो, उन पैसों से पढ़े लिखे। तो इसीलिए चुपचाप कसक इस चीज की कुर्बानी दे रही है। किसी शादी के बदले, किसी रिश्ते के बदले अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो क्या ये शादी हुई? ये तो एक सौदा हुआ ना। कसक सब जानते हुए भी ये शादी कर रही है। अब बात करते हैं कसक की, तो उसके दूसरी तरफ देखेंगे तो कसक एक लड़के से बहुत प्यार करती है। वो लड़का भी जिसका नाम अंबुज है, वो भी कसक को उतना ही ज्यादा प्यार करता है। लेकिन फिर भी कसक के आगे वो अपने प्यार की कुर्बानी दे रहा है। उसी के सामने उसी के प्यार का सौदा हो रहा होता है। उसी के सामने कसक किसी और आदमी के साथ शादी कर रही है। अब कसक अपनी ही उम्र के दो बच्चों की छोटी माँ बन के उस ठाकुरों के घर में जा रही है। अब उस ठाकुर के घर में क्या वो दो बच्चे कसक को छोटी माँ के रूप में अपना पाएंगे? क्या ठाकुर छोटी ठाकुराइन का औथा कसक को दे पाएगा? क्या ठाकुरों के परिवार वाले उसे एक छोटी बहू के रूप में अपना पाएंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। वहीं अंबुज क्या बिना कसक के रह पाएगा? कसक के जाने के बाद क्या वो उसे भूल जाएगा? अब अंबुज क्या करता है, क्या नहीं करता, शादी के बाद कसक का क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सब तो आपको हमारी नई कहानी छोटी माँ को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए आप सबके सामने हमारी नई पेशकश जल्दी आने वाली है जिसका नाम है छोटी माँ। तो आप सभी जिस तरीके से हमारी सारी स्टोरी को खूब सारा प्यार देते हैं, उसी तरीके से आप छोटी माँ को भी खूब सारा प्यार दीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा। फिलहाल चलते हैं आप सभी को इस छोटी माँ की सीरीज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक दिखाई जाए। तो चलिए चलते हैं। तुम मिल गई, मेरी माँ मिल गई, और मानो आज जैसे घर मिल गया हो छोटी माँ। आजा, आजा मेरी बच्ची, आजा। वेलकम होम छोटी माँ। क्या हुआ छोटी माँ, डर गई क्या? डरोगी तो अब तुम जब मैं तुम्हारी जिंदगी नरक कर दूंगा। अरे बहू डर मत, हम सब तो तुम्हारे अपने हैं, पर हम ही तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। देखिए आखिर कसक उस जिंदगी से इस जिंदगी में कैसे आ गई है, और जो उसे छोटी माँ करके बुला रहे हैं वही कसक के चेहरे से हंसने का हर मौका क्यों छीन रहे हैं, जानने के लिए देखिए हमारा अगला धारावाहिक छोटी माँ केवल लव सिटी पर। दोस्तों शर्मा राइटर से खफा हो तो अपनी शिकायतें चुपके से लिखकर जरा कह दो। यू रूठे को मनाना मुझे थोड़ा सा आता है, मगर प्यार करना बंद मत करो यारो। कीप वॉचिंग प्लीज, लव फ्रॉम शर्मा राइटर।